परकन कुछ नहीं है, वो 2014 के अंदर BHR सोसाइटी से लोन लिया था, वो पैसे भर दिए ले, उसके सब पावतियाँ वगैरह इनकम टैक्स के अंदर रिकॉर्ड वगैरह सब पूरा है, तो चौकसी के लिए बुलाए ले उन्होंने जो जो लोन लिया था वो। कितना लोन लिया था? 50 लाख रुपए लोन लिया था, भर दिए ले पैसे वो। और कौन से साल में लिया था ये? 2014 में। 2014 हाँ। तो ऐसा पता चला है कि वो आर्थिक व्यवहार के अंदर कुछ सेटलमेंट करके हाँ किया है, ऐसा चला है? नहीं नहीं, पैसे नहीं नहीं, पैसे पूरे कैश भरे ले, सब पावतियाँ वगैरह सब है अपने पास, अपने पास में पावती सब है, सब रिकॉर्ड है, नील लेटर है, रजिस्टर बोर्जा है, रजिस्टर मॉर्गेज उन्होंने मैनेजर ने उतारा है, वो सब पूरे टाइटल क्लियर है, मतलब देखने मिलेंगे कि हमको नहीं, वो तो अभी वो तो सब निकाल के देना पड़ेगा ना अभी। अच्छा, आज सवेरे कितने बजे उठाया है आपके घर से? कहाँ से उठाया? उठाया नहीं, मतलब उन्होंने पुलिस स्टेशन में बुलाया था। बुलाया? हाँ। नहीं, ऐसा पता चला है कि घर से उठा के ले? नहीं नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन में बुलाया था। या संदर्भात त्यांची काय चौकशी करण्यात आली? हाँ, या संदर्भात काय चौकशी करण्यात आली? नाही काही नाही, ते म्हणे की ते जे कर्ज वगैरे जे घेतलेला होता, जे भरलेला आहे, तर त्याचे ते पावत्या वगैरे ते जे रिकॉर्ड आहे त्याचे, तर ते सर्व आणून द्या, मी चौकशी करून घेऊ। यामध्ये पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विभागाने सांगण्यात येत आहे की बा जे काही कर्जदारांनी ॲडजस्टमेंट केलेली आहे त्या संदर्भात तर ही चौकशी सुरू आहे। हां, तो ते आहे ना, बाकीच्या लोकांचे असतील ते, आपल्या त्यांनी ज्यांनी नाही भरलेले पैसे, तो असं प्रकारचे आहे, परंतु आता ते आपल्याला आपण आपलं जे लोन होता ते आपण सर्व भरलेले पैसे। आसिफ याला अटक करण्यात आली आहे असं सांगण्यात येत आहे। हां, आता ते आम्हाला सांगितलं की फक्त चौकशीसाठी आम्ही बोलवतो आहे।